हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप अपनी ओल्ड साड़ी और फैब्रिक को कन्वर्ट करके बना सकते हैं ब्यूटीफुल सा अम्ब्रेला कट गाउन। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बाजू का बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कट गाउन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो आप अपनी ओल्ड साड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले बॉडी की लेंथ मार्क कर लेंगे जो कि मैंने लिया है 15 इंच, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मुझे तैयार चाहिए 14। 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद मैं 4-4 में बॉडी को फोल्ड कर लूंगी। फोल्ड करने के बाद आप अपना कोई भी टॉप या ब्लाउज प्लेस करें और सारी मार्किंग कर लें, नेक, आर्म होल, शोल्डर, और उसके बाद सीजर की हेल्प से कट कर लें। कट करने के बाद आपको फ्रंट सेक्शन लेना है और यहाँ पे मैंने नेक का और लंबा कट कर लिया। अगर आपको छोटा नेक चाहिए तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, पर मुझे बड़ा चाहिए था तो यहाँ पे मैंने 3 इंच और मार्क कर लिया और गोलाई की शेप में मैंने उसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग कर लेने के बाद आपको बैक साइड के ऊपर प्लेस करना है, दोनों आर्म होल इसमें ज्वाइन कर लेना है और स्लीव को भी आपको 1 इंच डाल के हेम कर लेना है। यहाँ पे मैंने नेक और आर्म होल ये दोनों भी चीजें हेम कर लिया। उसके बाद स्लीव की कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 9 इंच का मार्क करूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी ताकि वो हम हेमिंग में इस्तेमाल कर सके, और उसके बाद कट कर लूंगी। कट करने के बाद आपको 4-4 में उतना ही फोल्ड करना जितनी आपको जरूरत हो। यहाँ पे मैं फोल्ड कर लूंगी स्लीव के लिए, उसके बाद जो स्लीव का बॉटम में मार्क करूंगी। तो 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा लिए हेमिंग के लिए। यहाँ पे मैंने 5.5 लिया है क्योंकि मुझे 5 इंच तैयार थे। ऊपर से 3 इंच में मार्क करके उसमें एक कर्वी शेप देके उसमें स्लीव की मार्किंग करके इसके बाद कट कर लूंगी। स्लीव की डिटेल वीडियो मैंने पहले भी शेयर की, आप चाहो तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्लीव की कटिंग कर लिया। अब मैं स्लीव अपने बॉडी पे प्लेस करूंगी। स्लीव का सबसे पहले मैंने बॉटम हेम कर लिया है, उसके बाद मैं बॉडी पे दोनों तरफ प्लेस करके इसे हेम कर लूंगी। हेम कर लेने के बाद आपको दोनों साइड्स भी ज्वाइन कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड्स ज्वाइन कर लिए। करने के बाद अब हम अम्ब्रेला करके कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने सब बचे हुए फैब्रिक को 2/4 में फोल्ड कर लिया और फिर एक ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लिया। इस तरह मैंने 4/4 में फोल्ड किया। अब मैं वेस्ट लाइन को 1/4 हिस्सा लूंगी क्योंकि मेरी वेस्ट इंच है 30, तो मैं 7.5 लिया। उसके बाद आपको लंबाई लेनी है जितनी आपको चाहिए, तो आप अपनी हाइट के हिसाब से ले सकते हो। ऊपर से आपको मार्क करके देखना कि कितनी है, उस हिसाब से आपको पूरे गोलाई में कर लेनी है। इससे आपको एक प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे और बहुत ही अच्छे शेप में आएगा। इस तरह से मार्क करने के बाद आप कट कर लें दोनों भी, वेस्ट लाइन भी और बॉटम को आपको इस तरह से सीजर की हेल्प से कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरह से आपको एक लंबा सा फैब्रिक मिलेगा, एक तरफ ज्वाइन रहेगा और एक तरफ ओपन रहेगा, वो ओपन एरिया आपको हेम कर लेना है। तो यहाँ पे आप मैं हेम कर लूंगी। हेम कर लेने के बाद आपको बॉडी इस पर प्लेस करना है और ज्वाइन कर लेना है। तो मैं बॉडी लूंगी और इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा जो गाउन है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ी लेसेस इसे और ज़्यादा सुंदर और प्रिटी बनाने के लिए। उसके लिए यहाँ पे मैं मार्क कर लूंगी सबसे पहले बॉर्डर। उसके लिए मैंने इंच टेप लिया है और 8-8 इंच पे मार्क करूंगी कि वहीं पर मैं लेसेस लगाऊंगी। इस तरह से आप मार्क करेंगे तो आपको एक प्रॉपर मिलेगा, तो इसलिए आप इंच टेप से ही मार्क कर करके आपको पूरी तरह चौड़ा गोलाई में मार्क कर लेना है। उसके बाद मैं फ्री हैंड से ही बॉक्सेस बनाऊंगी। आप चाहो तो आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं फ्री हैंड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप चाहो तो आप छोटे बॉक्सेस बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं थोड़े और बड़े बॉक्सेस बनाऊंगी। तो आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हो। और इसी तरह से मैं स्लीव्स में भी बना लूंगी बॉक्सेस, आगे पीछे दोनों तरफ आपको इसी तरीके से करना है। और उसके बाद आप लेसेस लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं गोल्डन लेस का इस्तेमाल करी, आप चाहो तो सिल्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। इस तरह से मैं लेसेस लगाऊंगी। आप चाहो तो फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हो या तो फिर आप स्विंग मशीन से भी स्टिच कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लेसेस लगा लिया है। लेसेस लगाने के बाद ये हमारा जो प्रिटी सा गाउन है वो बिल्कुल रेडी है। ये गाउन किसी भी आप वेडिंग ओकेशन पे आराम से कैरी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लगेगा। सो गाइज, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी जरूर करें, नीचे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें मैं आपके लिए किस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।